أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صلوات پڑھیں محمد صل اللہ علیک یا امیر المومنین السلام علیک یا علی ابن ابی طالب اللہم الان قتل تعمیر المؤمنین. تمام تعریفیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ علی ابن ابی طالب کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام أما بعد فرش عزائے علی ابن ابی طالب ہے. پرسا و ماتم کے لیے حاضر خدمت, جس طرح کوئی یتیم اپنے باپ کے غم میں سوگوار رہتا ہے, ایسے مومن اپنے مولا کے غم میں سوگوار. جس کے گھر سے میت اٹھتی ہے اس گھر کے ہی چاہنے والے تو ماتم کیا کرتے ہیں, جس کا کوئی تعلق میت سے نہ ہو کیوں ماتم کریں گے. واہ غربتا, کتنی قیامت کی رات ہے کہ روزے دار کو حالت سجدہ میں شہید کیا گیا اور اتنی شدید ضربت ہے کہ شاید کائنات میں کوئی اور اتنی شدید ضربت آپ کو نہ ملے گی.
कि सर मुबारक पर जो मारी गई तलवार है वो सर काटती हुई पेशानी तक उतर गई। अगर मैं इसको यूं कहूं कि मेरे मौला का सर शगाफ्ता हो गया था, इसलिए मौला फरमाते थे बेटा रुमाल से पहले सर के जख्म को बांध दो। अजरकुम अल्लाह, आज की फर्श अज़ा पर गुस्सा लेने वालों में अल्लाह के रसूल मौजूद होंगे जिसे अपनी औलाद की तरह पाला था, इसे अपने मुंह का लुकमा बना बना के खिलाते थे। आज उसकी शहादत की रात है, इसको अपने सीने पे सुलाते थे। आज उसकी शहादत की रात है, इसको रोने के लिए सैयदा फातिमा जहरा बड़ी मोहब्बत थी मौलाए मुत्तकियां से, इतनी मोहब्बत थी। बहुत मशहूर जुमला जो आपने हमेशा सुना, आइए एक बार फिर सुनिए, क्या शदीद मोहब्बत थी। और आज पुरसा देने के लिए सैयदा की खिदमत में आंसू पेश कीजिएगा। ये तो मदीने मुनव्वरा में एक दिन मेरा मौला जब घर में तशरीफ फरमा हुआ, दाखिले बैतुश्शरफ हुए, तो मुलाहिजा किया कि रसूल की बेटी सर झुकाए हुए ज़ारो क़तार रो रही हैं या रंजीदा खातिर हैं। पूछा मौला ने सलाम के बाद कि शहजादी बिनत रसूल, किस बात ने आपको रंजीदा कर दिया है? इरशाद फरमाया, अबुल हसन मैंने सुना है कि लोग ऐसे बदल गए कि आपको मदीने में कोई अब सलाम भी नहीं करता, लोग ऐसे बदल गए कि कोई मदीने में आपको सलाम भी नहीं करता। इमाम ने सर झुका के फरमाया, रसूल की बेटी बात तो इससे भी आगे बढ़ चुकी है। सैयदा तड़प गई, अबुल हसन इससे आगे कौन सी बात हो? फरमाया, रसूल की बेटी मैं जिसको सलाम कर ले तो मुझे सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करता। ये मदीना कितना रोई है सैयदा। अजरकुम अल्लाह, आज के फर्श अज़ा पर रोने के लिए आपके पास दोनों हाथ सलामत हैं, आप तो मातम भी कर सकते हैं, आंखों से आंसू साफ कर सकते हैं। आज की फर्श अज़ा पर रोने के लिए कटे हुए बाजुओं के साथ हजरत अब्बास नौहा को शबे जरबत नहीं शबे कयामत है। अजरकुम अल्लाह, पुरसा व ताजियत के माहौल में जो आपकी दुआएं कबूल होंगी, जो वक्त कबूलियत दुआ है, वक्त कबूलियत दुआ है। आज की रात वक्त कबूलियत दुआ की कैफियत लिए हुए शब है कद्र में पहली शब कद्र भी शब जरूरत के एतबार से मैं समझता हूँ कि मेरे रोजे और नमाजें कहाँ कबूल हो सकेंगे, इसलिए कि जितना खुलूस आंसू अश्के अज़ा में है, आंसू अज़ा में जितना खुलूस अश्के अज़ा में है उतना खुलूस कहाँ से लाऊं। तो आइए आज वक्त कबूलियत दुआ में एक दुआ मांगिए कि खुदाया खुदाया 1438 का माह मुबारक रमज़ान भी निस्फ से ज्यादा ख़त्म हो चुका है, अब खुदाया खूने अली इब्ने अबी तालिब का इंतकाम कब लिया जाए। ऐ खुदाया आज की रात की दुआ कुछ और मांगिए ना मांगिए आपका मसला। याद रखिए कि अगर कोई शख्स इमाम के जहूर की दुआ मांगता है तो इमाम के जहूर की दुआ कुशादगी आले मोहम्मद ही नहीं बल्कि कुशादगी साहिबान ईमान भी है। खुदाया आज की रात यह दुआ कबूल फरमा ले कि इसी साल को ईमान के जहूर का साल करार दे।
اے خدا امام کا واسطہ, امام کا واسطہ ہم سب کو ایسا بنا دے, ایسا بنا دے کہ ہم ظہور کے دور میں امام کے ناصروں میں شامل کیے جائیں. صلوات پڑھ لیں محمد والا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بیان, آپ کی سیرت کا بیان, ہم سورہ مبارکہ حل عطا سے مسلسل پچھلے تمام شبہائے ماہ رمضان میں استفادہ کر رہے تھے, اور اسی عنوان کو ان شبہائے عزم میں بھی آگے بڑھایا جائے گا. سورہ مبارکہ حل عطا, سورہ الانسان میں خدا نے انسان کی جو پہچان کا طریقہ بیان کیا, اور انسان کی پہچان کے طریقے کے اعتبار سے جو انسان کے اعمال کی ایک کیفیت کو بشکل اعمال آل محمد بیان کیا. عمل تو سب کرتے ہیں, کوئی دکھانے کے لیے کرتا ہے, کوئی سنانے کے لیے کرتا ہے, لیکن نہ وہ کامیاب ہے جو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے, اور نہ وہ کامیاب جو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے. بہت سے امداد تقسیم کرنے والے امداد بھی کرتے ہیں اور لینے والے کو ذلیل بھی کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیلاؤ تاکہ تمہارے ہاتھ پہ رکھا جائے, مانگو تاکہ تمہاری امداد کی جائے. قسم بخدا ایک گھرانہ آل محمد کا ایسا ہے کہ جو امداد بھی عطا کرتا ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے, ورنہ باقی عطا کرنے والے باقی دینے والے دیتے تو بہت ہیں مگر احسان جتا کر. اور آل محمد کا گھرانہ وہ جس کے الفاظ سورہ مبارک دہر میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. محمد وآل محمد صلوا. یہ اپنے مقام پر کہ مانگنے والا کون ہے, اس سے کوئی بحث نہیں کہ مانگنے والا مسکین ہے, یتیم ہے یا اسیر ہے, یہ دیکھو دینے والے کون ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کوئی اپنے بزرگوں کے لیے قرآن کی کوئی ایک آیت تلاش کرے. یہ تو سورہ قرآن ہے جو پورا گھرانہ علی ابن ابی طالب تلاش کرے. کسی ایک فرد کے لیے آیت ڈھونڈنا, یہاں تو لگتا ہے آیتیں فضائل کو ڈھونڈتی ہوئی چلی آتی ہے. اور پورے گھرانے کے بارے میں گویا یہ عمل ایسا ہے کہ جو گھر کے اندر انجام دیا جا رہا ہے. گھر کس کا ہے, کل ہم بات وہاں تک پہنچا چکے تھے کہ کرامت کبھی ذاتی ہے, کرامت کبھی اقتصادی ہے, اور اسی سے لفظ کرامت کو آگے بڑھائیں گے. کرامت کا مطلب کیا, عزت, کرامت کا مطلب عظمت, کرامت کا مطلب بزرگی. کیا ترجمہ کیجئے گا, کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے تو اعلان کیا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اور ہم نے تو آدم کی اولاد کو عزتیں عطا کر دی, ہم نے تو آدم کی اولاد کو بزرگی عطا کر دی, ہم نے تو آدم کی اولاد کو عظمتیں عطا کر دی. کیا معنی کیجئے گا, اور یہ عظمت و کرامت و عزت کیا ہے جو خدا نے آدم کی ساری اولاد کو عطا کی ہے؟ آدم کی جتنی اولاد سب کے پاس کرامت ہے, لیکن کرامت کی صلاحیت ہونا اور ہے, صلاحیت پر پورا اترنا اور ہے. بہت آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھائیں گے. اس کی پہچان کیا ہونی چاہیے کہ پروردگار نے کیا انسان کی ذات کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں کرامت موجود ہے؟ بالکل ایسا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دلیل کیا چاہیے؟ دلیل ہمارے پاس سوائے آیات آئے قرآن مجید کے یا
اقوال معصومین کے اور دلیل کیا ہوگی؟ سب سے مضبوط ترین دلیل تو خود کلام پروردگار. صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، فرش ولا کی برکت سے آنے والا ہر شخص مجلسی ہو گیا ہے. ابھی میں اشارہ کروں گا، آپ پورے عنوان تک پہنچے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سورہ مبارک والشمس، سورہ مبارک والشمس، خدا نے قسمیں کھانے کے بعد نفس کی کیفیت کو بیان کیا. گرچہ نفس کو بیان کرنا سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے اور کس کے بس میں ہے کہ حقیقت نفس کو بیان کرے، اور امام نے بھی سب کو بیان نہیں کیا ہے، صرف کمیل کو بیان کیا ہے. کمیل ابن زیاد نخعی، ان با معرفت اصحاب امیر المومنین میں شامل ہیں کہ جن کو امام نے نفس کے راز کا علم عطا کیا. خدا نے کیا مخلوق بنائی ہے، ونفس وما سواها. آسان ترجمہ کیجئے کہ خدا نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس میں توازن عطا کر دیا. توازن کا مطلب کیا ہے؟ فألهمها فجورها وتقواها، الہام کر دیا اس نے اس نفس کے اندر فجور کا بھی اور تقوی کا بھی. انسان میں صلاحیت ہے کرامت کی بھی، انسان میں صلاحیت ہے رذیلت کی بھی. چاہے تو عزیز ہو جائے اور چاہے تو ذلیل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کرامت ذاتی کا مطلب صلاحیت. انسان کے اندر کبھی کبھار گناہوں کے مسئلے پہ تو ہم کہتے ہیں جی کیا کیجئے، خاکی انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے. کبھی یوں کیوں نہیں کہتے کہ نوری انسان ہے، تقویٰ تو ہو جاتا ہے. ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے. تو کیا آپ نے انسان کی تاریخ میں غلطی کرنے والا حصہ شمار کر لیا ہے؟ انسان کہتے ہی اس کو ہیں جو غلطی کرے. اگر انسان سے غلطی کا امکان ہے 50%، تو 50% انسان سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ فرشتوں سے بلند ہو جائے. اور آئیے پچھلے ذرا سے مسائل سے ایک ربط دیتے ہوئے، کیونکہ مجھے پورا احساس ہے کہ یہ عشق آل محمد کا جذبہ ہے کہ آج کی مجلس عزا میں نئے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. نئے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. خوش نصیب ہیں صاحبان ایمان کہ مولا متقیان کی محبت میں فرش عزا پر آئے ہوئے ہیں. تو اب آئیے پچھلے ذرا سے دروس سے ایک جملہ سمیٹتے ہوئے، وہ جملہ کیا ہے کہ انسان اگر اس صلاحیت پہ غور کرے، پروردگار عالم نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ چاہے تو منزل کمال کو حاصل کرے اور چاہے تو منزل کمال سے اتنا نیچے گر جائے کہ پتھر سے بدتر ہو جائے، حیوانات سے بدتر ہو جائے. یہ قرآن کے الفاظ کا انداز ہے جو آپ نے ہمیشہ صاحبان علم سے سنا ہے. میں خلاصہ کر لیتا ہوں. ایک پتھر ہے، پتھر اپنی فطرت سے الگ نہیں ہو سکتا. جو پتھر کی صفت ہے وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی. جب بھی کبھی پتھر ہوگا تو اس میں سختی پائی جائے گی، جب بھی کوئی پتھر ہوگا تو اس میں نرمی کا دور دور تک گزر نہ ہوگا. کوئی جذبات نہ ہوں گے، کوئی احساسات نہ ہوں گے، کیونکہ وہ پتھر ہے. حیوانات اپنے اعتبار سے ان کو حیوانیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. حیوان حیوان ہے، اسے کیا خبر کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے. وہ جہاں سبزہ دیکھتا ہے کھانے کو آگے بڑھ جاتا ہے. تو اسے اس کی حیوانیت سے آپ الگ نہیں کر سکتے. جتنا
चाहें उसे मोतबर मकाम दीजिए, मुकद्दस नाम दीजिए, अरे उसे खुदा बनाकर पूज लीजिए, तब भी हैवान हैवान रहेगा। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल, नारे हैदरी तमाम मखलूकात को देखते हुए चलिए। हर मखलूक अपनी सिफत के साथ मुकय्यद है, ऐसा नहीं हो सकता कि हैवान से हैवानियत अलग हो जाए, पत्थर से उसकी फितरत अलग हो जाए, परिंदगान से उनके उड़ने की फितरत को अलग कर दिया जाए। बस एक बेचारा इंसान है कि जो कभी इंसानियत से अलग भी हो जाता है, बस बेचारा इंसान है जो कभी इंसानियत से अलग भी हो जाता है। यानी अजीब है मखलूक़े परवरदिगार, इससे देखकर फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि शक्ल इंसान में असले इंसान भी है कि नहीं है। पत्थर को देखकर फैसला करना मुश्किल नहीं है, हैवानात को देखकर फैसला करना मुश्किल नहीं है कि ये चार टांगों वाला हैवान है, तो वही काम करेगा जो इसकी फितरत में शामिल है। लेकिन इंसान वाहिद ऐसा मखलूक परवरदिगार है जो शक्ल में इंसान रहता है और इंसानियत की सिफत से दूर निकल जाता है। उसी सिफात के एतबार से करामत ज़ाती खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया कि चाहे तो पत्थर को हाथ में ले और उससे पानी निचोड़ दे। खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया चाहे तो दिल इतना सख्त हो जाए कि इस दिल से पानी भी ना निकले। यानी कमाल ये कि चाहे तो पत्थर से पानी निचोड़ ले, और बदतरीन सिफत ये कि इतना कल्ब सख्त हो जाए कि उससे आंसू के दो कतरे भी ना निकले। इंसान एक करामत ज़ाती, एक करामत इख्तिसाबी। करामत ज़ाती क्या है कि इंसान को खुदा ने बनाया इस सलाहियत का हामिल है। फरिश्ते नहीं बनाए ऐसे, हैवान नहीं बनाए ऐसे, परिंदगान नहीं बनाए ऐसे, जैसे इंसान बनाया। और करामत इख्तिसाबी क्या है कि अब ये आगे बढ़े, आगे बढ़कर चाहे तो ईमान और अमल सवाले की बदौलत से इतना मोतबर हो जाए कि पत्थर की दीवार से कहे तो वो सोने की हो जाए। और इसी इंसान की पहचान में सारे इंसानी मेयारात कोई ऐसा तराजू होना चाहिए। अब पहचानूं कैसे कि इंसान इंसान कामिल इंसान कौन है, पहचानूं कैसे? मुझे तो मकतब अक्ल वाले भी नीम कामिल दिखते हैं, मुझे तो मकतब इश्क वाले भी, अब जो पिछले दुरुस में आ चुके हैं वो मेरी बात से बहुत करीब हो रहे होंगे, मकतब इश्क वाले भी मुझे नीम कामिल दिखते हैं। मुझे कामिल इंसान कहाँ दिखाई दे? आज की रात दिखाती है कि कामिल इंसान को देखना हो तो उसकी करामत ज़ाती भी दिखा देते हैं और करामत इक्तसाबी भी दिखा देते हैं। करामत ज़ाती क्या है? इसमें अपना इख्तियार नहीं है, बल ये चाहिए करामत ज़ाती आपके पास क्या आपने खुदा से मांग के लिए है? हो सकता है आपने एप्लीकेशन दी हो अल्लाह को, परवरदिगार मुझे इंसान बनाना। हो सकता है मैंने अल्लाह से कह दिया हो परवरदिगार मुझे हैवान ना बनाना। करामत ज़ाती इसमें अपना इख्तियार नहीं है, खुदा ने दे दिया तो ये तो आपको मिलकर ही रहेगा। अरे ये करामत है, अगर रिस्क खुदा देना चाहे तो सवाल किया गया था मौला से, मौला रिस्क जो इंसान के पीछे पीछे आता है, जो मिलकर रहता है, अगर किसी इंसान को किसी मकाम पर कैद कर दिया जाए, रास्ते सारे बंद हों, बहुत गौर कीजिएगा, रास्ते सारे बंद हों, कोई रास्ते बंद करके ये ना समझे किसी का रिस्क रोक लेगा। रास्ते सारे बंद हों, रास्ते सारे बंद हो, इमाम से पूछा गया मौला बताइए किसी इंसान को हमने बंद कर दिया कैद खाने के अंदर,
اور اب کہیں سے راستہ موجود نہیں ہے جو رزق آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رزق ایسا بھی ہے جو انسان کے لیے مقدر ہو چکا اور اسے مل کر رہے گا. اب مولا بتائیے وہاں تک رزق کیسے پہنچے گا؟ سب دروازے بند ہیں, کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سوراخ بھی نہیں ہے. امام نے سوال کرنے والوں سے سوال کر لیا, جب کسی سے معصوم سوال کر لیں تو اس کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ مولا نے سوال کیا کیا, اچھا یہ بتاؤ تم نے جو مفروضہ قائم کیا ہے, فی الحال تو میں مفروضے کی بات ہی کر رہا ہوں, تم نے جو مفروضہ قائم کیا ہے کسی انسان کو بند کر دیا ہے قید خانے کے اندر, بتاؤ اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اسے موت آئے گی, اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو بیچارے سر جھکا کے کہتے ہیں مولا سے, مولا اسے اور کچھ نہ ہو, روٹی ملے نہ ملے, پانی ملے نہ ملے, موت تو ملے گی. امام نے پھر سیکنڈ کوسچن کیا, ایک اور سوال کیا, اچھا اگر موت آنے کا یقین ہے تو ملک الموت کہاں سے داخل ہوگا تمہارے خیال میں؟ کھڑکیاں بند ہیں, دروازے بند ہیں, کوئی سوراخ نہیں ہے, تو ملک الموت کہاں سے داخل ہوگا؟ وہ کہنے لگے مولا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو کیا جواب دیں؟ مولا اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ موت تو آئے گی, ملک الموت کہاں سے آئے یہ خبر نہیں ہمیں. امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کتنے نادان ہو, اس بات پر یقین ہے کہ خدا اگر ملک الموت کو بھیجنا چاہے تو بند دروازوں سے, بند کھڑکیوں سے, سوراخ کے نہ ہونے پر بھی بھیجنے پر قادر ہے. تو کیا وہ خدا رزق بھیجتے ہوئے عاجز ہو جائے گا؟ موت بھیجنے پر قادر تھا اور رزق بھیجنے پر, سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ایک کرامت ذاتی ہے انسان کی, اور کرامت ذاتی وہ کرامت ہے جو انسان کو اپنے اختیار سے نہیں ملی. مجھے خدا نے انسان بنایا میرے کہنے پہ نہیں بنایا, اب مجھے انسان ثابت کرنا ہے وہ اپنے اختیار سے. خدا نے انسان بنایا ہے اپنے اختیار سے, مجھے انسان اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اپنے اختیار سے. میں چاہوں ثابت کروں اور چاہوں ثابت نہ کروں, بڑا مشکل سا ہے یہ فیصلہ کرنا. افمن کان مومنن کمن کان فاسقن لا یستوون, آیت قرآن سورہ سجدہ دعائے کمیل ابن زیاد میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آیت کا انتخاب کیا. افمن کان مومنن کمن کان فاسقن لا یستوون, جو مومن ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے کہ فاسق ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, دو تصویریں آپ کے پاس ہیں, ایک تصویر مومن کی ہے, ایک تصویر منافق یا فاسق کی ہے, دونوں کو دیکھیے بہت غور سے, بہت غور سے دیکھیے تو کیا ہوگا کہ بالکل برابر ہیں, سر بھی برابر ہیں, دو آنکھیں ہیں, ایک ناک ہے, زبان ہے, ہونٹ ہیں, کان ہیں, دو ہاتھ ہیں, دو پاؤں, بالکل برابر ہیں. مولا کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ قرآن کس کے بارے میں کہتا ہے؟ پہچانوں کیسے؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. نہیں, آسان کر لیتے ہیں. اگر آپ نے مثلاً چاول کا وزن کرنا ہے تو کوئی معیار ہوگا, اگر آپ نے دودھ کا وزن کرنا ہے تو کوئی معیار الگ سے ہوگا, یہ لکوڈ شیپ میں ہے. اگر آپ نے وزن کرنا ہے سونے کا تو الگ سے کوئی معیار ہوگا, اگر آئرن کو تولنا ہے تو معیار الگ ہوگا, اگر جسم کے درجہ حرارت کو دیکھنا ہو تو معیار اور پیمانہ الگ ہوگا, پیمانہ الگ ہوگا, اگر بارش کتنی نازل ہوئی اس کو دیکھنا ہے تو پیمانہ الگ ہوگا. تو اگر تمام تر اوصاف کائنات میں اوزان کو پہچاننے کے لیے پیمانے الگ الگ ہیں تو خدا نے کوئی انسانیت کو تولنے کا پیمانہ بھی دیا کہ نہیں دیا؟
कोई पैमाना भी दिया कि नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो फिर तो खैर है, सब कहेंगे हम बड़े इंसान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, कोई नहीं। और अगर कोई पैमाना दिया है तो उस पैमाने की मार्फत लाजिम है। अब समझ में आया क्या फर्क है फासिक में और मोमिन में। फासिक वो है जो इंसानियत के पैमाने पर पूरा नहीं उतरता, और मोमिन वो है जो इंसानियत के पैमाने से नीचे नहीं गिरता। अब पैमाना क्या है तलाश कीजिए। पैमाने तलाश करते करते हम उसी जात की जानिब आगे बढ़ेंगे जिसके लिए आप आज क्यों आए हैं, यहां पर क्यों आए हैं, किसकी मोहब्बत ने आपको खींच के यहां बुलाया। शदीद मोहब्बत है मौला से, शदीद मोहब्बत है मौला से, फिर परेशान क्यों होते हैं, फिर परेशान क्यों होते हैं। जब कभी परेशान हो तो अगर आपको अपनी मोहब्बत अलविया पे यकीन हो तो खुदा से कहिए परवरदिगार तुझको उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझको मौला से है। सारे वास्ते एक तरफ, सारे हवाले इस्तगासे के एक तरफ, अगर आपको अपनी मोहब्बत मौला पे यकीन है तो खुदा को वास्ता दीजिए अपनी मोहब्बत का कि खुदाया जो मुझे अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत है उस मोहब्बत का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर दे। अगर आपको अपनी मोहब्बत पे यकीन है मौला की कि आपको मौला से मोहब्बत है तो परेशान क्यों है। क्या कोई मुहिब भी कभी परेशान होता है? ये तो इम्तिहानात हैं जिससे आजमाए जाते हैं, जिससे दर्जात बुलंद होते हैं, जिससे मौला के चाहने वाले मौला से और करीब होते हैं। वरना क्या मैसम तमार मोमिन नहीं थे, कि हजर इब्ने अदी मोमिन नहीं थे, क्या मौला के आशिक नहीं थे, क्या अबू ज़र और सलमान मौला के आशिक नहीं थे, तो फिर मुश्किलात में क्यों गिरफ्तार हुए? और अगर मुश्किलात में गिरफ्तार हुए तो मौला की मोहब्बत कम हुई कि बढ़ गई? हम तो देखते हैं कि मुश्किलात में गिरफ्तार होकर हमारी मोहब्बत कहीं कहीं मुश्किल में ना आ जाए। मैसम तम्मार की मोहब्बत तो वो है कि हाथ कटने के बाद मोहब्बत निखर रही थी। हाथ कट गए मगर फजाइल अली इब्ने अबी तालिब की जुबान ना कट सकी। अब आइए इंसानियत के मयार पर जो पैमाना खुदा ने करार दिया आज उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। बाकी बातें इंशाल्लाह आने वाली शबों में। करामत जाती मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम। खासतौर से बहुत सारी करामतें मौला की जात के एतबार से उनमें से एक करामत, पहली करामत, और इस करामत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि करामत खुदा ने अली को दी है, ना कोई छीन सकता है ना कोई इनकार कर सकता है। खुदा ने आपको इंसान बनाया है, ना कोई छीन सकता है ना कोई इनकार कर सकता है। जैसे हम और आप इंसान हैं ये खुदा की अता है, ना कोई इनकार कर सकता है ना कोई छीन सकता है। ऐसे काबे में अली की विलादत खुदा का दिया हुआ वो मकाम है, ना कोई इनकार कर सकता है ना छीन सकता है। मैं क्या मिसालें अर्ज करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान चाहता है कि वो जब कोई मसनूआत को इस्तेमाल करे तो मसनूआत जरा मोतबर इदारे ने बनाई हो। मैं अपने शहर की बात करता हूं कि हम तलाश करते हैं, अब तो दो नंबर मुश्किल से मिलता है कि इतने नंबर आगे बढ़ गए। एक नंबर तो बहुत दूर की बात है,
हम तलाश करते हैं कि अगर मोबाइल चार्ज करना है तो इसका चार्जर जो है वो कम से कम दो नंबर तो हो कि चार्ज सही कर दे। तो पता चला अक्ल कहती है कि पहले देखो खरीदने से पहले कि आया कहां से है, आया कहां से है। आजकल तो ऐसे मसाइल हैं, इस तरह की धोखेबाजियां हैं कि कोई अपने हाथ से बना के कहता है कि ये चाइना से आया है। तो जैसे मसाइल मसाइल मसनुआत हैं, ऐसे मसाइल मसाइल इंसानियात हैं। खुद से अपने हाथों से बना के कहते हैं ये अल्लाह का बनाया हुआ है। मुझे इंसानियत के मोबाइल को चार्ज करना था, मैं कहां से लाऊं चार्जर का, घर खुदा के घर से ले लो। ऐसा चार्जर है कि वहां पर रहेगा, तुम अगर अपने मोबाइल विलायत को उससे मरबूत कर लोगे चार्ज हो जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद करामत जाती एक इशारा करते, पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, पूरा आपका सुना हुआ वाकया है, इतना ही काफी है कि यह शरफ ऐसा है, ऐसा शरफ है कि कायनात में कोई मौला को माने कि ना माने, कोई मौला को माने कि ना माने, मगर आपकी विलादत खाने काबा से इनकार नहीं कर सकता, और दूसरी बात खाने काबा को अपना घर नहीं कर सकता। खाने काबा ना तुम्हारा घर है, ना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर है, खाने काबा तुम्हारे नजदीक भी हमारे नजदीक भी खुदा का घर। अब तो समझो खुदा का दिया हुआ है। अब जो अली का इनकार करे खुदा के दिए हुए का इनकार है, और जो इकरार करे तो खुदा के दिए हुए का इकरार है। इसलिए इकरार करने वाले खुदा वाले हो गए, इनकार करने वाले गैर खुदा वाले। सलवात पढ़े मोहम्मद एक करामत इमाम के इक्तसाबी करामात में से। तो मौला पैदा तो काबे के अंदर हो गए, इसमें मौला कमाल नहीं होगा ना, ये तो पैदा नहीं हुए, खुद खुदा ने चाह पैदा कर दिया। आपका पैदा हुए का जुमे को, तो आप पे इख्तियार था कि नहीं? आप कहां पैदा हुए का? मैं मदीना शरीफ में पैदा हुआ था, आप पे इख्तियार था कि नहीं? तो कोई कहां पैदा हो जाए, किस दिन में पैदा हो जाए, किस मकाम पर पैदा हो जाए, ये इख्तियार उसका नहीं है, ये इख्तियार पैदा करने वाले का है, ये इख्तियार पैदा करने वाले का है। अब एक इख्तियार जो मौला का अपना, वो क्या है? वो इख्तियार वो है जब अल्लाह के रसूल पर आयत नाजिल हुई, वह अंजर अशीरतक अल-अक्रबीन। मैं छोड़ता हूं बचपन के वाकयात को कि लोग कहते हैं वो तो बचपने की बातें हैं कि आगोश में थे तो ये पढ़ लिया होगा, वो पढ़ लिया होगा। चलिए, वह अंजर अशीरतक अल-अक्रबीन आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, और बुलाते थे हमेशा अली इब्न अबी तालिब को। रसूल बुलाते थे, रसूल बुलाते थे, अगर आज हम बुला लें तो वो आने वाला इतना इतना अमीन सादिक है, कल मोहम्मद के बुलाने पे आता था, आज उम्मत मोहम्मद के बुलाने पर आता। बुला लिया, बुलाने के बाद का या अली है 10 साल का सिन, एक रिवायत या 13 साल का सिन, कम से कम 10 साल और बहुत से बहुत 13 साल का सिन है। बुलाने के बाद फरमाया अली, मुझ पर आयत कुरान आई है कि मैं अपने कराबत दारों को बुलाकर पैगाम इंतजार दूं, उनको डराऊं। तो अब आपने इंतजाम करना है, इंतजाम क्या करना है कि 3 साग खाने का इंतजाम करना है, गोसफन की एक रान का इंतजाम करना है, और उसके अलावा आपने इंतजाम करना है खास किस्म की शहद का मीठे के तौर पर, और उसके बाद तमाम औलादे अब्दुल मुत्तलिब खानदान के तमाम अफराद को सबको बुलाना है। गोया ये पहली दावत हो रही है, और दावत का मुंतजिम कौन है? जुमला समझ में नहीं आता मुझे, मैं अपने घर की दावत करता हूं तो मुझे मेहमान गिनना पड़ते हैं, दावत से पहले तहरीर करता हूं कितने अफराद आएंगे, इस खानदान में कितने हैं, उस खानदान से कितने आएंगे, कहीं खाना कम ना पड़ जाए।
और जब कभी नाम हुसैन पर दस्तखान बिछाता हूँ ना कभी गिनता हूँ ना कभी हिसाब लगता। ठीक है, ऐसी ही बात है ना, बिल्कुल। अपने घर में तकरीब कीजिए, अफ्तार पार्टी कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि गिनना पड़ेगा। और फिर हर कसो नाकस को आप कह भी नहीं पाएंगे कि आपके जहन में कि कितना इंतजाम किया है। लेकिन ये फर्श अदाए हुसैन की बरकत है कि आप बगैर सोचे हुए बुलाए चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी और के हाथ में इंतजाम हो। तो ये इंतजाम है जो मौलाए मुत्तकियान ने किया। 10 साल के सिन में 10 साल का बच्चा क्या इंतजाम करेगा, या 13 साल का शहजादा क्या इंतजाम करेगा। खाने का इंतजाम किया गया और सबको बुलाया गया। इससे पहले कि अल्लाह का रसूल अपनी बात बयान करने में कामयाब होते, लोगों ने खाना खाया, खाना खा लिया, ऐसे नहीं खाना छोड़ के गए, खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद इससे पहले कि अल्लाह का रसूल बयान करते कुछ, ये उठ के चल दिए कि अब तो खा लिया चलिए। हालांकि ये सोचते कि इतने सारे खाना खाने वालों में एक गोसवंद की रान है, 3 सा खुराक है और थोड़ा शहद है, इसमें इतनी बरकत कि सबने पेट भर के खाया, उठ के चले गए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मौलाए मुत्तकियां से, या अली अगले दिन फिर दावत करनी पड़ेगी, फिर इंतजाम कीजिए। आपने फिर इंतजाम किया, सबको बुलाया गया। और अब बाज़ रिवायात में दूसरे दिन ये मौका मिल गया, बाज़ में तीसरे दिन मौका मिला कि अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर अपने पैगाम का ऐलान किया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूं जो इससे पहले कोई लेकर नहीं आया, तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन पैगाम लेकर आया हूं, और मुझे खुदा ने मामूर किया है कि मैं ये पैगाम तुम तक पहुंचा दूं। अब इस मेरे पैगाम में जो मेरा साथ देगा, जो मेरा साथ देगा, बैठे हुए तो बहुत थे, 9 साल भी बहुत थे, बुजुर्गी के अंदाज भी बहुत थे, बैठे तो बहुत थे, जो मेरा साथ देगा वो मेरा भाई, मेरा खलीफा, मेरा जानशीन, मेरा वजीर होगा। सब खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा। एक मरतबा 13 साल का शहजादा उठ के खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूं। या रसूलुल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। अल्लाह के रसूल ने सबके सामने ऐलान किया कि ये मेरा साथ देगा तो मेरा भाई, मेरा खलीफा, मेरा जानशीन, मेरा वसी, मेरा वजीर यही होगा। 13 साल के बच्चे ने वो कमाल किया। ये करामत इक्तसाबी है, ये मेरे मौला की मर्जी थी कि ऐलान करें कि ना करें, काबे में पैदा हो कि ना हो, ये खुदा की मर्जी है। रसूल की हिमायत का ऐलान करें कि ना करें, ये अली की मर्जी है। तो खुदा की मर्जी को विलायत कहते हैं और अली की मर्जी को जानशीनी खत्मी परवरदिगार कहते हैं। एक करामत ज़ाती, एक करामत इक्तसाबी। अपने इख्तियार से मौला का कदम कौन सा था, आपने ऐलान किया, किसी ने आपको ऐलान पे मजबूर किया था, किसी ने आपको ऐलान की लालच दिया था, क्या आपको पहले से मालूम था कि क्या होने वाला है। वो ठीक है हमारे और आपके एतबार से साहिब इल्म गैब है, लेकिन मिन हैसे इंसान आपका ऐलान आपका अपना कमाल है, अपना इख्तियारी कमाल है। अल्लाह अकबर। अब आइए सिर्फ एक जुमला आज की हद तक और बाकी बातें इंशाल्लाह कल। ये करामत है तो अपने मकाम पर, इंसानियत का मयार कहां से आया मौलाए मुत्तकियान।
सिर्फ एक छोटी सी मिसाल, और मिसाल वो है कि जंग सिफीन पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हाकिम शाम जो कहलाता है शख्स, वो अपने लश्कर को लेकर पहुंचा सिफीन पर, और सिफीन पर पहुंचते के साथ ही दरिया पर कब्जा कर लिया। इमाम का लश्कर रास्ते में है, जब इमाम का लश्कर वहां पहुंचा तो हाकिम शाम का लश्कर पानी पर काबिज हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कि इंसान अजीब मखलूक है, कि शक्ल इंसान में है मगर सिफत इंसान के बगैर है। कब्जा कर लिया पानी पर, और अब मीटिंग बुलाई गई। जब इमाम के लश्कर से किसी ने आकर पानी का मुतालबा किया कि भाई पानी पर कब्जा आपने क्यों कर लिया है, कुछ उसूल होते हैं जंग के भी, पानी पर कब्जा क्यों कर लिया है, पानी का कब्जा छोड़ दीजिए कि ताकि लोग पानी पी सकें। हाकिम शाम ने मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए, पानी कब्जा खोल दिया जाए या कब्जा बरकरार रखा जाए, क्या किया जाए। बाज ने कहा कि जी पानी का कब्जा जो है बरकरार रखा जाए, बाज ने कहा पानी खोल दिया जाए कि पानी बहरहाल। कहते हैं अम्र बिन आस ने अजीब जुमला कहा कि अगर तू पानी नहीं खोलेगा तो अली वो हैं जो पानी छीन लेंगे, अगर तू पानी का कब्जा नहीं छोड़ेगा तो ये लश्कर वो है कि जो कब्जा छीन लेगा। तो फिर एक सामने बैठे हुए शख्स ने कहा कि हम भी देख लेंगे कौन छीन सकता है हमसे कब्जा फरात को। तो फैसला ये हुआ, शूरा का फैसला ये हुआ, सकीफा कहां कहां नहीं बने, फैसला ये हुआ कि हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। अब वो जुमला उर्दू का बड़ा अजीब सा मुहावरा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा हो। तो इमाम ने खुतबा दिया अपने फौजियों के दरमियान, फरमाए दो रास्ते हैं, देखो उसने कब्जा कर लिया पानी पर, और पानी इंसानी जरूरत है, उसने कब्जा कर लिया। दो रास्ते हैं, या तो तुम जिल्लत व पस्ती के मकाम को कबूल कर लो, सर झुका दो, या फिर अपनी तलवारों को उनके खून से उनकी प्यास बुझाओ अपनी तलवारों की, और फिर अपने लिए पानी का इंतजाम करो। और इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, खास जुमला था जिसने तमाम लश्कर में एक नई रूप फूंक दी। फरमाया अल मौतु फी हयातिकुम काहिरीन वल हयातु फी मौतिकुम मक्हूरीन। अल्फाज क्या है मौला के, हयात तुम्हारे उस मुआशरे में मर जाने वालों के लिए है कि जो अपने मिशन में कामयाब हो जाएं, और मौत उनके लिए है जो जिंदा रहते हुए अपने मिशन में नाकाम हो जाएं। इमाम ने अपने लश्कर के सामने से मौत और हयात का फलसफा इतना बदल दिया कि पूरा लश्कर आमादा है कि मौला हम जाकर अभी कब्जा छुड़ाते हैं, और लश्कर गया कब्जा छीन लिया। अब जब कब्जा छीन लिया और पानी मौला के इख्तियार में आ गया, फिर यहां एक सवाल उठा कि वो लोग मांगने आ गए पानी, कि पानी चाहिए। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन, इंसानियत का मायार पैमाना क्या होगा, हाकिम शाम होगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कौन है पैमाना इंसानियत। आकर सवाल किया गया कि पानी खत्म हो गया, पानी चाहिए। इमाम के लश्कर में कुछ कमजोर इंसान भी थे, कहा इनको पानी मत दीजिए कि अदले का बदला होना चाहिए। इमाम फरमाते हैं मैं मैदान जंग में भी दुश्मन पर शुजात से तो गलबा पाता हूं, मुरव्वत से नहीं, मैं तलवार से मुकाबला करूंगा मगर मुरव्वत का उनवान नहीं होगा। मुरव्वत कहती है पानी दिया जाए। तो मैदान जंग में भी इंसानियत का ऐसा मायार कि अगर कोई हालत जंग में मेरे मौला की इंसानी सिफत को मुलाहिजा करे तो वहां भी पानी दे दिया था, वहां भी पानी दिया था, और अपने कातिल को भी पानी पिलाया, बल्कि शरबत पिलाया। रब्ते मसाइब पे जाने से पहले सिर्फ एक जुमला, ये वक्त वो है जब मेरा मौला बिस्तरे
शहादत पे जाने वाला है। आज की रात रोने की रात भी है, मातम की रात भी है, और आज की रात आमाल की रात भी है। जैसे आप मौला की मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे मौला की सीरत पे अमल करते हुए आज की रात में आपने आमाल में शिरकत करना है। इसलिए कि मौला रातों को नमाजें पढ़ा करते थे, आइए आज मौला की मोहब्बत में एक तरफ आंसू बहाकर इजहार मोहब्बत करें, एक तरफ नमाजें पढ़कर मौला की इताअत करें। तो आज की रात आमाल की रात है, आज की रात जागने की रात है। और जैसे पूरा इंतज़ाम आपके सामने है कि बहरहाल माह रमज़ान के आगाज़ से ही मुसलसल दुरुस्त भी हैं, मदरसे की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम माह रमज़ान में भी है, तो बहरहाल जो आपके तआवुन की कैफियत हो, इंशाअल्लाह दामे दरहमे सुखने आप जब तआवुन करेंगे तो आप जाते हुए काउंटर से रब्ता कीजिएगा। और बहरहाल अपनी हैसियत में ये तो नहीं कह सकते कि सारा काम हम कर देंगे, हाँ थोड़ा सा नाम हमारा भी शामिल हो जाएगा, लेकिन अज़ादारो पुरसा व मातम के लिए जब आते हैं तो मौला की वो बेहतरीन इंसानी सिफत जो वाकयन उस वक्त भी दिखाई देती जबकि आपके सर को शगाफ्ता कर दिया गया, कब की बात है, हर साल सुनते हैं, हर साल ऐसा लगता जैसे इसी साल का वाकया है। कितनी ताजगी है गमे अहले बैत में, जैसे कोई इंसान हर साल माह रमजान के रोजे रखता लगता है इसी साल रोजे रख रहा है। ऐसे मेरा मोहला एक रात अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर मेहमान हुआ करते हैं, एक रात अपनी बेटी जनाबे ज़ैनबे कुबरा के, और आज की रात आप यहाँ बैठे हुए मातमदारों, आज की रात मेरा मौला अपनी छोटी बेटी के घर मेहमान है। वो रात इमाम ने कैसे गुजारी है, कभी पूछते थे बेटा हसन बताओ माह रमजान की कितनी शबें गुजर गई, कभी पूछते थे बेटा हुसैन बताओ कितनी शबें बाकी रह गए, कभी आसमान के सितारों को देखकर रसूल खुदा के वादे को याद करते थे, आज की रात वादा पूरा होकर रहेगा। आप भी अपने घरों में होते हैं, खुदा सलामत रखे ऐसे मोमिनीन को कि इनकी बेटियां हैं, खुदा बेटियों पर बाप का साया सलामत रखे। अगर बेटी के घर बाप मेहमान हो तो बेटी क्या इजहार मोहब्बत करती है। एक मरतबा मेरा मौला सहर के वक्त ताम के लिए आमादे खातिर है कि बेटी ने बड़ी मोहब्बत से बाप के सामने सहर के खाने का इंतजाम किया, और सहर में क्या रख दिया था जो ऐसा मेरे मौला के चेहरे पर कैफियत तब्दील हो गई, रखा क्या था, नाने जबी यानी वो नान जो जौ के बने हुए थे, और कहते हैं साथ में दूध का एक प्याला था और थोड़ा सा नमक था। अल्लाह के वली ने देखा रोने लगे, अजीब ने फरमाया कि कोई बेटी अपने बाप के साथ ऐसा भी करती है, ऐसे तुमने मेरे साथ किया। उम्मे कुलसूम सर झुकाए हुए, बाबा क्या खता हो गए, फरमाया बेटी ये एक से ज्यादा खाने क्यों रख दिए गए। अल्लाह अकबर, जनाब उम्मे कुलसूम से इमाम फरमाते हैं बेटी इन खानों में से एक खाने को उठा लो। बेटी आगे बढ़ी, आगे बढ़कर बेटी ने चाहा कि नमक को उठा ले, बेटी की मोहब्बत है ना। रोने वालों आपकी मर्जी है, जितना रोइएगा इतना गुस्सा दीजिएगा, बस जब अपनी बेटी की मोहब्बत समझ में आए तो उम्मे कुलसूम पर आज कुर्सा पेश कीजिएगा, छोटी बेटी है मौला की। उठाया नमक को इमाम ने रोक दिया, नमक रख दो बेटी, दूध को उठा,
खाए वह आखिरी सहर का तमाम, वह आखिरी सहरी जो मेरे मौला ने तनावल की है, वो रोटी जौ की है और नमक है। कितना की खुराक होगी मेरे मौला की, कितनी खुराक होगी, अल्लाह अकबर। इस हालत में तैयार हुए मस्जिद में जाने के लिए, और एक सवाल का जवाब जो आपके जहन में कभी आता होगा, इससे पहले भी मैंने दिया, फिर देता हूं, कि जन्नत के जवानों के सरदार कैसे मुमकिन है कि पड़ोस में मस्जिद हो और घर में नमाज पढ़ लेते हैं? मुमकिन नहीं है कि मौला के औलादों में कोई बेटा घर में नमाज पढ़ता हो, मुमकिन नहीं है। उस दिन इमाम ने ताकीद की, ए बेटा हसन हुसैन, आज तुमको मेरे हक की कसम है, आज नमाज घर में पढ़ो, अगर इमाम ने वक्त हुक्म कर दे तो इतात वाजिब हो जाएगी। मेरा मौला दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हैं कि मुर्गाबियां जो सहन में पली हुई थी, इमाम से बड़ी मोहब्बत, इमाम के अबा के दामन से लिपटने लगी और ऐसे बेचैन थी जैसे जैसे कुछ कहना चाहती हो, ऐसे चीख रही थी जैसे मौला से फरियाद करती, मौला ना जाइए, खुदा रा ना जाइए। इमाम ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी ये बेजबान परिंदे हैं, जब तक इन्हें खुराक दे सको, उनके ख्याल रख सको, घर में रखना, और जब इनका ख्याल ना रख सको, इन्हें आजाद कर देना कि ये घूम फिर कर जमीन पे अपनी खुराक तलाश कर। मैं कहूंगा मौला परिंदों का बड़ा ख्याल था, मौला करबला में छोटे छोटे कूसे हाथों में लिए बच्चे पानी मांगेंगे मौला, और कोई पानी देने वाला होने ना हो। मेरा मौला समझा के निकलना चाहते हैं कि जैसे ही दरवाजे के करीब से गुजरे तो जुमला रिवायत का है कि मेरे मौला की कमर का बंधा हुआ पटका दरवाजे की कुंडी में अटक गया, एक रुकावट और पेश आई। इमाम ने अपने पटके को उस कुंडी से अलग करके फरमाया कि अली अपनी कमर को मजबूती से बांध लो कि मौत का सामना करने का वक्त आ गया। अजरकुम अल्लाह। रात भर की कैफियत मौला की मुख्तलिफ थी, रात कैसे गुजारी आपने सुना, और अब मस्जिद में पहुंचे हैं। खुदा आपको नसीब करे कूफे की ज़ियारत, कभी मौला का घर देखिएगा, कभी मस्जिद कूफा देखिएगा। एक दरवाजा था जो इमाम के घर की तरफ मस्जिद का खुलता था, जहां से इमाम दाखिल हुए थे। इमाम उस दरवाजे से दाखिल मस्जिद हुए, इमाम ने देखा कुछ लोग मस्जिद में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। इमाम ने सोते हुए अफराद को जगाना शुरू किया, जगाते जगाते आगे बढ़े, देखा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उल्टा सो रहा है, उसको भी हिला के फरमाया ऐसे ना सोया करो कि ऐसे शयातीन सोते, या दाहिनी करवट सोया करो कि ऐसे अंबिया सोते हैं, या बाएं करवट सोया करो ऐसे हुकमा सोते, या फिर पुश के बल सो जाया करो, उल्टे मत सोया करो। सबको उठाया है, बेदार किया है नमाज के लिए। मेरा मौला मुसल्ले नमाज से पहले मेहराब अजान पर आए। मैं जुमला कहूंगा, शायद कोई नमाज पढ़ाने वाला अजान ना देता हो, मगर मौला ने ये शरफ भी हम सबको अता किया कि अजान देना भी सुन्नत अली इब्ने अबी तालिब, और वो आखिरी अजान थी। किससे खबर थी कि ये आखिरी अजान, अजान की आवाज गूंज रही थी, वाह गुरबता वाह मोहम्मदा, बीबियो जी भर के सुन लो ये आवाज, दोबारा सुनने को ना मिले। एक करबला की अजान अली अकबर है, एक कूफे की अजान अली इब्ने अबी तालिब।
میرا مولا مصلی عبادت پر آیا، رونے والوں وہ قیامت کا وقت بھی نزدیک آ گیا جب میرا مولا پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، جانا چاہتے تھے یا سر کو اٹھانا چاہتے تھے کہ ظالم میں ایسے تلوار ماری، اتنی شدت سے تلوار ماری کہ میرے مولا کا سر کٹتے کٹتے تلوار پیشانی تک آ گیا، اتنا خون بہا کہ آنکھوں سے چہرے مبارک پر خون ہی خون تھا، اور کچھ ظلم یہ کہ اس میں زہر شامل کیا گیا تھا۔ ہائے میرا مولا، ادھر منادی غیب نے ندا بلند کی، تحدمت واللہ ارکان الہدا، وانفصمت واللہ العروۃ الوثقی، قد قتل علی المرتضی، قتلہ اشقی الاشقیا۔ رونے والوں منادی کی ندا سنی، ارے بیٹیوں نے فریاد کی، جناب ام کلثوم نے منہ کو پیٹنا شروع کیا، واہ محمد والیا۔ بھائیوں کو روانہ کیا جائیے کہ منادی ندا دے رہا ہے۔ آخری جملہ میں کہوں گا، بیویوں آج بھائی گھر میں تھے تو بھیج دیا، ارے کل کربلا کا میدان ہوگا، منادی کہے گا لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے کوئی نہ ہوگا، اسے روانہ کیجئے گا۔ رونے والوں، حسنین روتے ہوئے مسجد میں آئے، آخری جملے، حسنین روتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں، ہائے پورا کہرام مچ گیا، امام کے سر مقدس پر رومال باندھا گیا، نماز کی رکعت کو تمام کرایا گیا، امام کو اٹھا کے لے کے چلے، اتنا ذوف و نقاہت تھا، مولا سے اٹھا نہیں جاتا تھا، تو مولا کو چٹائی پہ لٹایا گیا، اٹھا کے لے کے چلے، ماتم ہو ہوا چلا، واہ محمد۔ آخری جملے، مولا اٹھانے والے بھی آ گئے، ماتم والے بھی آ گئے، ہائے کربلا، ارے کوئی نہ تھا جو غریب کی لاش کو اٹھا لے۔ سيعلم الذين ظلموا حي منقلبا ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، وقت قبولیت دعا ہے، وقت قبولیت دعا ہے، ایسے ایسے پرسہ دیجئے جیسے کوئی یتیم یتیم پرسہ اپنے باپ کا دیتا ہے۔ ہم یتیم ہوئے ہیں، یہ شب ہماری یتیمی کی شب، پروردگار واسطہ آل محمد کا، میرے مولا امام کے قاتلوں پہ شدید لعنت کو نازل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ مولائے متقیان کا، واسطہ بیبیوں کی یتیمی کا، واسطہ مولا عباس کی یتیمی کا، جناب ام البنین کا سہارا چھن گیا، ہائے بیوی کا واسطہ پروردگار، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ آج کی رات پروردگار، آج کی رات ظہور امام کو اتنا قریب کر دے کہ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے امام کا ظہور نصیب ہو۔ تمام مشکلات صاحبان ایمان کی دور فرما دے۔ پروردگار تو ہی تو ہے جس سے فریاد کی جاتی ہے، اے علی ابن ابی طالب کے خدا، مولا کے ماننے والوں کی دعائیں مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے مریض صاحبان ایمان دنیا بھر میں، تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ مولا کا، پوری زندگی بھر مولا کی محبت میں اضافہ فرما، مولا کی معرفت میں مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما، مولا کی اطاعت میں مزید کمال عطا فرما۔ پروردگار آخری سانس آئے تو مولا کی محبت میں، اٹھائے جائیں تو مولا کی محبت میں، محشور کیے جائیں تو علی علیہ السلام کے ماننے والوں میں۔ بار اللہ ہماری دعائیں مقبول و منظور فرما۔ اس سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطار برادر احمد بھائی کی طرف سے تھی، ان کے مرحومین کے لیے عباس احمد، سیاح غلام اور سیف عباس، غلام عباس، کنیز غلام، زہرہ عباس، عباس کرمانی،
यूसुफ अब्दुल्ला सिफा मुमताज़ बानो बिन के सैयद इनाम हुसैन शौकीन नासिर हेमानी और गुल बानो बिन के रमजान अली इब्राहिम इनके लिए नमाज वशत की भी इल्तमास सूरह फातिहा तमाम अरवाह मोमिनीन मोमिनात के लिए साल फरमा दीजिए बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين ما تم حسين